नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ शिवानी वर्मा। तो आइए रुक करते हैं प्रदेश की कुछ अहम खबरों की। खबर है जनपद लखीमपुर खीरी से। जी आपको बता दें कि थाना खीरी क्षेत्र के महुबखेड़ा प्राथमिक स्कूल में स्कूल देर आने जाने को लेकर प्रधानाध्यापक और शिक्षा मित्र के बीच जमकर मारपीट हुई। वही शिक्षा मित्र को जूतों से पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सीमा देवी स्कूल में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत थे, जबकि अजीत कुमार प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी निभाते। स्कूल में देर से आने जाने को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। वहीं सुबह स्कूल पहुंचने पर अध्यापक अजीत कुमार ने महिला शिक्षा मित्र की जूतों से पिटाई करने लगे। स्कूल में मौजूद स्टाफ ने बीच भराव करने का प्रयास किया। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इसके बाद शिक्षा मित्र भी हमलावर हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद स्टाफ के लोगों ने बीच भराव कर मामला शांत कराया। आपको बता दें कि महिला शिक्षा मित्र की जूतों से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। दोनों पक्ष की तरफ से मारपीट को लेकर थाना खीरी में तहरीर दी गई। वहीं थाना खीरी इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार मिश्र ने दोनों पक्ष को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि शिक्षा नेता मौके पर पहुंचकर मामले को निपटाने में जुट गए। इधर बीएसए डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। आरोपित हेडमास्टर अजीत कुमार को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सभी के जहन में एक सवाल उठता है कि शिक्षकों का यह आचरण कहां तक उचित है। जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे अनुशासित, तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।